तुम ही थे।
बहुत शुक्रिया आप सबके आने का. बहुत सदियां बीत गईं स्टेजेस पे परफॉर्मेंसेस किए हुए, कोई 2 साल तो कहीं नहीं गए. और फेस्टिवल ने एक दफ़ा फिर ये मौका दिया कि हम जैसे आर्टिस्ट आएं और अपने आर्ट से आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे सकें. उन सब का बहुत शुक्रिया जिनको परफॉर्मेंसेस पसंद आईं, और उन सब का उनसे ज़्यादा शुक्रिया जिनको नहीं पसंद आई. हम ऐसे ही हैं, जो हमारा दिल करता है हम करते हैं. आइए देखिए और खुशी खुशी जाइए. मेरी परफॉर्मेंस पे कोई मैंने उस तरह कंटेंट तो नहीं, उसका कोई क्रेडिट लिस्ट नहीं बनाई, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है. पहला पीस जो था वो परकशन बेस्ड था, जो कि पखावज और तबला था, जो कि साजिद अली ने प्ले किया था, बजाया था. दूसरा पोर्शन जो था वो जो रांझा दीजाना वो गाया था अकबर अली साहब ने. तीसरा पोर्शन जो था वो माया वे तेरे वेखन ले चुक चरखा. ये चरखा है हमारा बॉडी जो है, हम इसे उठा के आपके सामने आ गए हैं, और हम इस पूरे अपने जर्नी के अंदर जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, अच्छा बुरा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, रिवेंज हैप्पीनेस सैड, हर चीज़ को ये जो चरखा है ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है, और फिर एक दिन इसकी टूट जाएगी तार. और वे जो गाया है वो रसब, एक बहुत नया बच्चा है, बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, रसब ने गाया. और मैं सोच रहा था कि फैज़ साहब का बहुत सा कलाम जो है वो ऑलरेडी है अवेलेबल, तो मैंने इसलिए फैज़ साहब का कलाम, बजाय इसके कि मैं ख़ुद वो दोबारा रिकम्पोज करवा के गवाता, मुझे अच्छा लगता है टीना सानी जी का गाया हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस का इख्तिताम उसी से करूँगा. कॉस्ट्यूम जो है मेकिंग बाय आयशा रहीम एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम आयशा इमरान्स कॉस्ट्यूम. और बैक स्टेज मेरे साथ आयशा रहीम थी, भूल गया नाम, सलमान साहब साउंड पे थे, जमील साहब मेरे साथ डांट खा रहे थे, और अहमद जो थे वो मुझे तैयारी कर रहे थे. और फैज़ की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरी ये परफॉर्मेंस फैज़ फेस्टिवल में सलीमा हाशमी और मुनीज़े हाशमी को डेडिकेशन है. आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया.